जी एसडीन वालों मैं सरफराज सफी ते मेरे नाल पंजाबी दे बड़े बड़े दानिश्वर बड़े बड़े सूझवान और बड़े बड़े शायर जनाब राजा सादुकुल्ला साहब खड़े आ। मैं इन्हां नाल गल करांगा कि अज मां बोली दिहाड़ वास्ते जो ये इहतमाम किया गया है इहदे नूं कैसा लग्या और क्या ये बहुत ज़्यादा है या होर ज़्यादा होना चाहिए है? इस तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि पंजाब नाल जो होया पंजाबियों कोलों उन्हां दी बोली खोली गई पंजाबी बालां कोलों पढ़ नहीं सकते हो पंजाबी लिख नहीं सकती पंजाबी ये जिहड़ी पंजाबी थोड़ी जी बच गई वह बची किवें वह इस तरह बची कि सुनने वाले कन ते वे सुनने वाले कन ते बोलने वाली जुबान रह गई। ये बहुत जरूरी है कि पंजाब नूं उहदी जुबान वापस की जाए। ये 1859 च पंजाब ते कब्जा होया ते उहदे बाद पंजाब विचों पंजाबी दा जिहड़ा काम मुकान लई पूरा एक काम होया। अज तक पंजाबी नूं उहदा हक नहीं मिलिया ते पंजाब दे बालां नूं तालीम दित्ती जांदी है किसी होर जुबान उन्होंने उन्होंने अपनी जुबान तली साहब असं कह दें कि पंजाबी हक नहीं मिले हक ना मिलने की वजह की है ये पता लगे ये सामने आवे गल ये बहुत सारे भुलेखे पाए गए। पहला भुलेखा यह पाया गया किसी वेले कि पंजाबी सिखा की जुबान है हालांकि उन्होंने धर्म की जुबान जरूर सी लेकिन पंजाबी बाबे फरीद की भी तो जुबान सी बुले शाह की भी तो जुबान है तो बाबा फरीद ना बाबे नानक तो ढेर पहला होया 250 साल का फर्क है। सो पंजाबी सारे पंजाबियों की जुबान है ये भुलेखे पा के फिर पाकिस्तान बनया तो इस गल के उत्ते जिहड़ा दरबार सरकार सी उन्हें जोर दिता कि पंजाबी नूं छड्डो तो दूजिया जुबानों के उत्ते है आके हूँ पंजाबियों का कि उन्होंने हक उन्होंने परताया जाए ये परताया जाए और पंजाब पंजाबी पढ़ाई जाए और पंजाबी बोलन की फुल असैंबली भी इजाजत होनी चाहिए उत्थे पुछ के क्यों दी जाए पंजाबी की गल की जाए। सो ये जो कुछ होया ये ठीक है लेकिन काफ़ी नहीं हर लैवल पर होना चाहिए। मेहरबानी बहुत शुक्रिया राजा साहब।